अगर चेहरे को हम सभी अपनी खूबसूरती का विजिटिंग कार्ड कहें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि चाहे बात सिर्फ बाहरी खूबसूरती की हो या फिर कंप्लीट पर्सनालिटी की, कोई भी इसका पहला अनुमान हमारे चेहरे से ही लगाता है। बाकी सारी स्टाइलिंग और आइडियल बातें इसके बाद आती हैं। ऐसे में जाहिर है कि चेहरे की साफ सफाई को ही इस शुरुआत की पहली सीढ़ी माना जाएगा, जो होती है अपने चेहरे को धोने से। चेहरे को आजकल बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे शरीर का वह हिस्सा है जो हमेशा खुला रहता है और वातावरण के सीधे संपर्क में रहता है। जहाँ तक रही वातावरण की बात, तो बढ़ते प्रदूषण ने इस समस्या को बहुत बढ़ा दिया है। भारी प्रदूषण की इस परत के अलावा चेहरे का अतिरिक्त तेल, मृत त्वचा, पुराने मेकअप के अंश जैसे जाने कितने ही चीज़ें एक परत की तरह चेहरे की त्वचा पर जम जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि चेहरे की साफ सफाई में अहम रोल निभाने वाले फेस वॉश के सही इस्तेमाल की हमें कितनी जानकारी है। ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि हर दिन फेस वॉश को अपने रूटीन में इस्तेमाल करने के बावजूद ज़्यादातर लोग इससे जुड़ी बारीकियों से अनजान होते हैं। क्यों है फेस वॉश साबुन से बेहतर? फेस वॉश चेहरे की साफ सफाई के लिए हर लिहाज से बेहतरीन है, क्योंकि इसे हर स्किन टाइप की ज़रूरत को समझते हुए बनाया जाता है और यही साबुन का बेहतरीन विकल्प भी है। अगर हम आज के समय की बात करें तो किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पर फेस क्लीनिंग के लिए क्लींजिंग मिल्क, सोप, क्रीम, जेल, लोशन जैसी इतनी सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि किसी का भी चकरा जाना बड़ी स्वाभाविक सी बात है। इन सभी की अहमियत है, मगर हर चेहरे की ज़रूरत और समय के हिसाब से। बेसिक तौर पर आज भी चेहरे को साफ करने के लिए पहली ज़रूरत साफ पानी और अपनी स्किन टाइप को सूट करता फेस वॉश ही होता है। साबुन चेहरे के लिए पहले तभी तक ठीक था जब तक हमारे पास समय और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। तब हम सिर्फ पानी और साबुन पर ही पूरी तरह से निर्भर थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले प्रदूषण और रोजमर्रा की ज़िंदगी की आपाधापी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। सो समय ने और दूसरी तमाम चीज़ों के साथ त्वचा की साफ सफाई की ज़रूरत भी बदल दी है और उसके तौर तरीके भी। ऐसे में साबुन इस ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता। एक वजह इसकी यह भी है कि साबुन का इस्तेमाल चेहरे के हिसाब से काफ़ी कठोर होता है, जबकि चेहरे की त्वचा बहुत सौम्य, कोमल और संवेदनशील होती है और यह सभी व्यक्तियों की एक दूसरे से अलग भी होती है। साबुन का इस्तेमाल चेहरे से गंदगी की सारी परतें, डेड स्किन, पुराने मेकअप के अंश, अतिरिक्त तेल वगैरह नहीं निकाल पाता। साथ ही साबुन का नियमित प्रयोग करने से चेहरे की प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है और चेहरे की त्वचा पर कठोरता आनी शुरू हो जाती है। साबुन त्वचा का पीएच बैलेंस भी खराब कर सकता है। कैसे करें सही फेस वॉश का चुनाव? अपनी त्वचा के अनुसार सही फेस वॉश का चुनाव करने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि पहले अपनी स्किन टाइप को समझें। तैलीय त्वचा, रूखी त्वचा, डैमेज त्वचा, मिली जुली त्वचा, संवेदनशील त्वचा, सामान्य त्वचा आदि में से अपनी त्वचा को पहचानने के साथ ही अपनी त्वचा और रूटीन के अनुसार त्वचा की ज़रूरत को समझना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपका ज़्यादातर समय घर के भीतर ही बीतता है या
आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा भागदौड़ और थकान भरी है। मेकअप कभी कभी ही करना पड़ता है या आपका वर्क स्टाइल रोजाना मेकअप की ही मांग करता है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, मतलब आसपास साफ सुथरी हवा और हरियाली वगैरह है या बहुत ज़्यादा प्रदूषण वगैरह है। एक फेस वॉश का चुनाव इन सब के आधार पर ही किया जाता है और यही वे बातें हैं जिनकी आमतौर पर पूरी तरह से उपेक्षा कर दी जाती है। फिर दोष दिया जाता है कि महंगे से महंगा फेस वॉश भी असर नहीं करता। असल में दोष फेस वॉश का नहीं, उसका सही तरीके से चुनाव न करने का होता है। सेंसिटिव स्किन। अगर आपकी त्वचा सेंसिटिव है तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि साबुन आपकी त्वचा के लिए बना ही नहीं है। फेस वॉश हमेशा अपनी स्किन के अनुसार मेडिकेटेड माइल्ड सा ही चुने। बहुत अधिक संवेदनशील त्वचा वालों को अपना चेहरा 2 से ज़्यादा बार नहीं धोना चाहिए। इसमें भी एक बार फेस वॉश और एक बार फेस क्लींजिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑयली स्किन। ऑयली स्किन वालों को आए दिन किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनकी त्वचा के लिए सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉश ही प्रभावी रहते हैं, जो त्वचा से गंदगी व अतिरिक्त तेल को तो साफ करते हैं लेकिन ज़रूरी कुदरती नमी बनाए रखते हैं। ड्राई स्किन। रूखी त्वचा वालों के लिए ऐसे फेस वॉश की ज़रूरत होती है जो त्वचा से गंदगी तो साफ करे लेकिन ज़रूरी नमी बचाते हुए। इसके लिए आपको बहुत ही माइल्ड फेस वॉश की ज़रूरत होती है, साथ ही आपको बार बार चेहरा धोने से भी बचना चाहिए। पैची स्किन। जिन लोगों को आउटडोर वर्क ज़्यादा करना पड़ता है उनकी स्किन डस्ट और पोल्यूशन की वजह से पैची बन जाती है, उनके लिए मेला फेस वॉश का इस्तेमाल ही अच्छा होता है। फेस वॉश करने का सही तरीका। यह मान लेना कि चेहरा साफ करने के लिए पानी और फेस वॉश से मुंह को धो लेना ही काफ़ी है, गलत है। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है। चेहरा हमेशा ठंडे या हल्के गुनगुने पानी से ही धोएं। गर्म पानी का इस्तेमाल चेहरा धोने के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फेस वॉश से दिन में 2 बार चेहरे को साफ ज़रूर करें। अगर आप किसी प्रदूषित जगह से होकर आए हैं तो तुरंत बाद चेहरे को साफ ज़रूर करें। फेस वॉश को चेहरे पर हल्के हल्के ही मलना चाहिए, बहुत रगड़ कर नहीं। चेहरे पर हल्के हाथ से फेस वॉश की मसाज करने के बाद चेहरा धोने से सारी गंदगी निकल जाती है और ब्लड सर्कुलेशन भी हेल्दी बना रहता है। चेहरे को हमेशा साफ टॉवल से ही हल्के हल्के थपथपा कर ही पोंछें। जोर जोर से रगड़कर चेहरे को साफ करने से त्वचा पर झुर्रियाँ जल्दी पड़ने की संभावना रहती है। साथ ही कभी भी किसी दूसरे का इस्तेमाल किया हुआ टॉवल अपने चेहरे पर इस्तेमाल न करें। इसके बाद चेहरे पर हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाना न भूलें। फेस वॉश करते समय ध्यान रखें कुछ ये अहम बातें। अपना चेहरा धोना हमारे रूटीन का वह काम है जिसे हम बिना ध्यान दिए बस यूं ही कर लेते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नॉर्मल से दिखने वाले काम में भी कई छोटी छोटी गलतियां हम कर बैठते हैं जिससे हमें स्किन इन्फेक्शन तक हो सकता है। सही क्लींजर का इस्तेमाल न करना। आपके क्लींजर का पीएच बैलेंस आपके चेहरे की स्किन टाइप के अनुसार होना चाहिए। ऑयली स्किन के लिए फोम बेस्ड क्लींजर और ड्राई स्किन के लिए क्रीम बेस्ड क्लींजर होना चाहिए। अगर फेस वॉश के बाद भी आपका चेहरा टाइट
ड्राई या डर्टी फील हो तो यह सीधा सा इशारा है कि आपको अपना क्लींजर बदलने की ज़रूरत है। एक और बात, अगर आपका चेहरा ड्राई है तो भूलकर भी अपने चेहरे पर साबुन का प्रयोग न करें, क्योंकि यह आपके चेहरे पर ड्राइनेस और जलन की वजह हो सकता है। गंदे हाथ चेहरे पर न लगाएं। क्या आप मुंह धोने से पहले अपने हाथ को अच्छी तरह धोती हैं? अगर नहीं तो आप गंदगी और बैक्टीरिया अपने हाथों के जरिए अपने चेहरे पर ट्रांसफर कर रही है। अगर आपको लगता है कि मुंह धोने के दौरान आपके हाथ भी धुल जाएंगे तो अपनी इस आदत पर आपको गौर करना चाहिए। मेकअप भी धुल जाएगा। यह बिल्कुल सही है कि जब आप अपना चेहरा धोएंगे तो मेकअप तो धुल ही जाएगा, लेकिन इस सोच के चलते फेस वॉश से पहले चेहरे से मेकअप न उतारना अनहेल्दी स्किन और डार्क कॉम्प्लिकेशन की वजह बन सकता है, क्योंकि मेकअप उतारे बिना फेस वॉश करने से स्किन पोर्स बंद हो जाते हैं। इसे भूलना नहीं। हम सभी जानते हैं कि मॉइस्चराइज़र लगाना हमारी स्किन के लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन क्या वाकई हम हमेशा ऐसा करते हैं? कोमल और सौम्य त्वचा के लिए ज़रूरी है कि हर बार चेहरा धोने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाया जाए। यह हमारे चेहरे को जल चिपचिपा होने से भी रोकता है। दो बार है ज़रूरी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका दिन कितना थकान भरा रहा या पूरे दिन काम से फुर्सत ही नहीं मिली। कंडीशन कोई भी हो, दिन में दो बार फेस वॉश करना ही चाहिए। अगर आप सुबह ऐसा करती हैं तो रात सोने से पहले भी करना है, लेकिन बार बार मुंह धोने से भी नेचुरल पीएच बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है या रेडनेस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए दो बार मुंह धोना काफ़ी है, इतनी भी क्या जल्दी है। क्लींजिंग, स्क्रबिंग और फेस वॉश को पूरा वक्त दें। जल्दबाजी स्किन पर रैशेज का कारण हो सकती है। क्लींजर को हल्के हाथों से फेस पर अप्लाई करें। चेहरे को साफ करते समय भी जेंटल रहने की ज़रूरत है, ताकि स्किन इरिटेशन न झेलनी पड़े। घर पर फेस वॉश कैसे बनाएं? यूँ तो बाज़ार में हर स्किन की ज़रूरत के हिसाब से फेस वॉश मौजूद है, लेकिन अगर आप उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो हम आपको कुछ घरेलू फेस वॉश बनाने के उपाय बता रहे हैं, जो आसानी से घर पर ही तैयार किए जा सकते हैं। नींबू और खीरे का फेस वॉश। एक चौथाई चम्मच नींबू के रस में एक चम्मच खीरे का रस और एक चम्मच कच्चा दूध अच्छे से मिलाकर चेहरे और गर्दन पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद चेहरे को सादे पानी से धो लें। अंडे का फेस वॉश। अगर आपकी त्वचा ऑयली है तो अंडे का सफ़ेद हिस्सा लेकर उसमें थोड़ा सा नींबू का रस अच्छे से मिलाकर चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद सादे पानी से अच्छी तरह से चेहरे को धो लीजिए। यह आपकी त्वचा को सफाई के साथ साथ ज़रूरी पोषण भी देता है। ओटमील का फेस वॉश। ओटमील को दही में मिक्स करके पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। बाद में हल्के हाथों से चेहरे को रगड़ते हुए पेस्ट छुड़ा लीजिए और चेहरे को साफ पानी से धो लीजिए। इससे सारी डेड स्किन साफ हो जाएगी। पपीते का फेस वॉश। अच्छी तरह से पके हुए पपीते को मैश करके पेस्ट बनाकर चेहरे पर कुछ देर के लिए मले और फिर साफ पानी से धो लें। सारी गंदगी के साथ साथ मृत त्वचा भी निकल जाएगी और नियमित इस्तेमाल से
चेहरे के दाग भी हल्के पड़ जाएंगे। फेस वॉश करते समय की जाने वाली गलतियाँ। फेस वॉश करते हुए कुछ बातें अक्सर ज़्यादातर लोगों द्वारा नज़रअंदाज कर दी जाती हैं, जिसका परिणाम त्वचा को भुगतना पड़ता है। इसलिए इन बातों पर ज़रूर ध्यान दीजिए। फेस वॉश वही इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन को ध्यान में रखकर बना हो। सिर्फ ब्रांड देखकर कोई प्रोडक्ट न खरीदें। आपकी त्वचा कोई टेस्टिंग लैब नहीं है। दिन के किसी भी समय के मुकाबले रात को सोने से पहले फेस वॉश करना बेहद ज़रूरी होता है, वरना आपकी त्वचा खुलकर सांस नहीं ले पाएगी और समय से पहले उस पर महीन लाइनें झुर्रियाँ नज़र आने लगेगी। फेस वॉश करते समय न तो बहुत अधिक गर्म पानी का इस्तेमाल करें, न ही बहुत अधिक ठंडे पानी का। अगर पानी खारा या बहुत अधिक क्लोरीन वाला है तो रिहाइड्रेटेड वाली फेस वॉश का ही इस्तेमाल करें। यह गंदगी साफ करने के साथ ही त्वचा को ज़रूरी नमी और पोषण भी देता है। गंदे हाथों से चेहरे को कभी न छुए। पहले हाथों को अच्छे से साफ कर लीजिए, उसके बाद ही उससे चेहरे को साफ करें। फेस वॉश को लगाकर तुरंत धोने की बजाय उंगलियों की सहायता से पहले चेहरे पर हल्की हल्की मसाज करें, उसके बाद ही साफ पानी से चेहरे को धोएं। पर फेस वॉश से मसाज भी ज़्यादा देर तक नहीं की जानी चाहिए। फेस वॉश के बारे में पूछे जाने वाले सवाल। अपनी स्किन टाइप के अनुसार फेस वॉश का इस्तेमाल ही करना क्यों ज़रूरी है? फेस वॉश का काम सिर्फ चेहरे की गंदगी दूर करना ही नहीं होता, बल्कि उसकी ज़रूरत के अनुसार त्वचा को सही पोषण देना भी होता है। यह ज़रूरत तभी पूरी हो सकती है जब आप फेस वॉश का इस्तेमाल अपनी स्किन के टाइप के अनुसार ही करेंगे। गर्म पानी से फेस वॉश करने के क्या नुकसान हैं? गर्म पानी से चेहरा धोने पर चेहरे का नेचुरल ऑयल भी निकल जाता है और इससे चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी पड़नी शुरू हो जाती है। इसलिए चेहरे को साफ करने के लिए हमेशा सादे या ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडे स्थान पर रहती है तो आप पानी का टेम्परेचर बहुत हल्का गुनगुना रख सकती हैं, लेकिन गर्म पानी से पूरी तरह से परहेज करें। क्या घरेलू फेस वॉश का प्रभाव मार्केट में मिलने वाले केमिकलाइज्ड फेस वॉश से कम होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपने घर में बने जिस फेस वॉश का चुनाव किया है वह आपकी त्वचा संबंधी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, साथ ही प्रदूषण और गंदगी से भी आपकी त्वचा का बचाव करता है। तो होममेड फेस वॉश भी किसी मायने में बाज़ार में मिलने वाले दूसरे कॉस्मेटिक उत्पादों के मुकाबले कहीं से कम नहीं है, बल्कि ये विशुद्ध रूप से प्राकृतिक तत्वों से बने होने की वजह से त्वचा की सौम्यता को और बढ़ा देते हैं। फेस वॉश कितनी बार करना सही रहता है? दिन में दो बार चेहरे को फेस वॉश से साफ करना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर रात को सोने से पहले चेहरे का साफ पानी और फेस वॉश से साफ करना कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप दिन में किसी समय प्रदूषित जगह से आ रहे हैं तो तब भी फेस वॉश से चेहरे को साफ करना न भूलें।